राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस ने चला बड़ा दांव। 11 विधायकों को कांग्रेस ने भेजा चेन्नई। छटपटा उठे मोदी और नड्डा। विपक्षी दल कांग्रेस ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले गोवा के अपने 11 विधायकों में से 5 को चेन्नई भेज दिया है। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बताया कि शुक्रवार शाम को विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होते ही 5 विधायकों संकल्प अमोमकर, यूरी अलेमाओ, अल्टोन डिकोस्टा, रुडोल्फ फर्नांडिस और कार्लोस अल्रावेस फरेरा को चेन्नई रवाना कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही समाप्त होने के बाद इन विधायकों ने सीधे चेन्नई की उड़ान भरी। उन्होंने बताया कि ये विधायक सीधे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए सोमवार को गोवा लौटेंगे। 11 जुलाई को शुरू हुआ गोवा विधानसभा का मानसून सत्र अगले शुक्रवार तक चलेगा। हालांकि सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 6 अन्य विधायकों, पूर्व मंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलियाला लोबो, केदार नाइक, एलेक्सो सिक्वेरा और राजेश फलदेसाई को चेन्नई नहीं भेजा गया है। संपर्क करने पर माइकल लोबो ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि पार्टी के 5 विधायकों को चेन्नई क्यों ले जाया गया है। लोगों ने कहा, मुझे नहीं बुलाया गया था, मैं नहीं जानता कि उन्हें चेन्नई क्यों ले जाया गया है। उन्होंने दावा किया कि वह शुक्रवार शाम को एक व्यापार यात्रा के सिलसिले में मुंबई में थे। बीते रविवार को कांग्रेस ने माइकल लोबो को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया था। पार्टी ने लोबो और कामत पर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस विधायक दल में फूट डालने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि लोबो और कामत सहित उसके 5 विधायक संपर्क से दूर चले गए हैं। हालांकि इन विधायकों ने सोमवार को गोवा विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई में हिस्सा लिया था। उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस में कुछ भी गड़बड़ नहीं है और वे पार्टी के साथ है।